महान समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास की जयंती भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में मनाई गई, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि संत रविदास एक महान समाज सुधारक थे तथा समाज में बराबरी के पक्षधर भी थे। उन्होंने जीवन भर छोटे बड़े की भावना से समाज को मुक्त करने का संदेश दिया। उन्होंने संत रविदास के विचारों को अपने अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर बताया कि नगर विधानसभा में कैसे हर वार्ड में घर घर संपर्क करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को नीचे तक ले जाकर और संपर्क करके अधिक से अधिक मतों से योगी आदित्यनाथ को विजयी बनाएं। उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा में 471 बूथों पर बूथ समिति लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह मुस्तैद हैं। हर वार्ड में 4 से 5 टोलियां बनाई गई हैं और प्रत्येक घर में 4 से 5 बार संपर्क की योजना बनाई गई है तथा योगी आदित्यनाथ की जीत उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं से अधिक मतों से होने वाली है। यहाँ की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदीप राव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत आशु, सत्येंद्र सिन्हा, देवेंद्र पाल, इंद्रमणि उपाध्याय, रणविजय शाही, जितेंद्र चौधरी, ब्रजेश मणि मिश्रा, अमिता गुप्ता, गौरव तिवारी, मोनू जायसवाल, ऋषि मोहन वर्मा, रणजय सिंह, जुगनू, रमेश प्रताप गुप्ता, राजेश तिवारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सदर विधानसभा प्रभारी श्री विवेकानंद शर्मा जी, उनका जी विश्वजीदास जी, राजस्थान श्रीवास्तव जी भाई, आपके वार्ड में घूमने पर जो अंदाजा लगा है कि इस विधानसभा चुनाव में गजब का उत्साह है। सभी संगठन के कार्यकर्ता, जिसमें पूरे शहर में चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है, आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जितना अच्छा अभी बना हुआ है, ये सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है। इसलिए मैं आपको कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने लगभग आज से 20 दिन पहले कुछ बूथों को चुन करके काम करना शुरू किया कि बूथ पर काम करने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है। जिन बूथ पर हम लोगों ने काम शुरू किया उसमें महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के 17 बूथ हैं, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगलागिरी के 9 बूथ हैं, बाबा शंकर के 3 बूथ हैं, लेडीज स्टार के 3 बूथ हैं, जनता माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल के 5 बूथ, सेंट एंड्रूज के 5 बूथ, कार्ल के 5 बूथ, रवि कमल की रही साढ़े 54 बूथों पर हम लोगों ने अलग से कुछ लोगों को लगाकर, तो हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के शिक्षक थे, कुछ अपने संगठन में से कुछ कार्यकर्ता थे, ऐसे लग करके हम लोगों ने काम शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो कठिनाई को समझ में आई, वो मैं पहले आपको शेयर कर देता हूँ कि वो कठिनाई हमारे काम में और बन सकती है बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह सबसे बड़ी चुनावी बाधा, लेकिन चुनाव हमें उसी वोटर लिस्ट पर लड़ना, उसी वोटर लिस्ट पर जीतना है। आज रविदास जयंती है और हम सब पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज रविदास जयंती पर जाकर के उनकी जयंती को मनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मनाया, हम सब भी पूरे गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता आज रविदास जयंती जी के अवसर पर यहाँ उनकी जयंती मनाए हैं। और नगर विधानसभा में कैसे प्रत्येक बूथों पर हर वार्ड में घर घर संपर्क करके योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के कार्यों को नीचे तक ले जा करके और कैसे संपर्क कर करके अधिक से अधिक मतों से योगी आदित्यनाथ जी को विजयी बनाएं, इसकी योजना रचना की प्लानिंग भी हुई है। चुनाव में किस तरह की तैयारी की है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी, जैसे गोरखपुर अगर नगर विधानसभा की बात करें तो 471 बूथों पर हमारी पूरी बूथ समिति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह मुस्तैद हैं। हर वार्डों में 4-4 5-5 टोलियाँ बनाई गई हैं और
प्रत्येक घर में 4 बार से 5 बार संपर्क की हमारी पूरी योजना रचना बन चुकी है। घर घर हम लोग जा रहे हैं। मोदी जी के 7 वर्ष की और योगी आदित्यनाथ जी के 5 वर्ष की एक उपलब्धियों का एक लंबा जखीरा है और उसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे 7 वर्ष के योगी जी और 5 वर्ष के 7 वर्ष में मोदी जी और 5 वर्षों में योगी जी ने जो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर बनाने का जो लक्ष्य उन्होंने पूरा किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर की आम जनता इतनी उत्साहित है। यहां कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ये कह रही है कि यहां का चुनाव आम जनता लड़ेगी और इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जीत उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं से अधिक होने वाली है। यहाँ की जनता जनार्दन ने मन बना लिया है।